एंड वेलकम टू लर्निंग विदर्स। आज हम लोग ऐसी ट्रिक देखने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी दो नंबर का यानी कि एक से लेकर 100 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। तो पहले उससे पहले आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो लिखवा देते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर, ये मार्कर चल नहीं रहा, ये वाला ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1 1 ज़ा 1, तो 1 का 1 ही रहेगा। 2 का हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। 3 का हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। 4 का 4 4 ज़ा 16। यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर का मतलब कि 4 इंटू 4, और जो भी नंबर होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का 6 6 ज़ा 36। 7 का क्या हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49। 8 का क्या हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64। 9 का क्या हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81। और 10 का क्या हो जाएगा, 10 10 ज़ा 100। तो आपको ये सब स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो आपको ये वाले स्क्वायर तो याद ही होंगे। तो अब हमारे शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है, ये वाले स्क्वायर तो आपको याद ही हो गए ना। अब कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी दो नंबर, जैसे कि हम ले लेते हैं क्या, 22 ले लेते हैं, 22। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर हम करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और दो दो डिजिट लानी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 10 लगाया, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 410 लगा दिया। तो इसका मतलब कि हमें स्क्वायर करके मतलब 4 डिजिट लानी है, अगर वो एक ही डिजिट में हो तो हम 0 बढ़ा देंगे आगे करके, तो ये हमारा 4 4 आ गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उससे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा क्या होता है, 4, और 4 2 ज़ा क्या होता है, 8। तो यहाँ पे हम लोग एक डिजिट छोड़ के यहाँ सेकेंड डिजिट पर हम लोग 8 लिख देंगे और इसको प्लस कर देंगे, 4 8 प्लस 0 8 और 4। तो ये आ गया आपका 22 का स्क्वायर जो कि है 484। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया है। मान लीजिए अब हम लोगों को लेना है 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर हम लोगों को जानना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 4 डिजिट में बनाना है तो इसको 2 10 लगा दिया, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 लिख दिया। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया, एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे 0 0 0, और ये हमारा 6 और यहाँ पे 2। ये आ गया आपका 51 का स्क्वायर, देखा कितना इजी है। अब देखते हैं एक बार फास्ट करके, फास्ट में मान लीजिए हम ले लेते हैं 26, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4 और 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 लगा दिया, 6 4 5 6 7 और 4 5 6, ये आ गया 676, ये आपका हो गया 26 का स्क्वायर, देखा कितना इजी है। अब इसी को हम लोग करते हैं 26 इंटू 26, तो बहुत लंबा आता आपका आंसर, तो ये ज़्यादा मुश्किल रहता है रेदर देन इससे। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और कोई एग्जांपल में मान लीजिए आप 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, अब यहाँ पे दो डिजिट हैं तो हमें 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इधर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो ये 4 डिजिट हो गई तो हमें कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, 9 9 ज़ा 81 और 81 2 ज़ा हमारा होता है 162, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 162 और यहाँ पे 1, ये 8 2 0 मतलब 10 और यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, तो 6 7 8 8 और ये 9, ये आ गया आपका 99 का स्क्वायर, 9 8 0 1।
तो ये देखिए हमारे कितनी आसान से शॉर्ट ट्रिक है, कुछ और नंबर ले लेते हैं, ये सारे टू डिजिट के नंबर में अप्लाई हो जाएगी, आगे हम लोग थ्री डिजिट का भी लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 60, इसका तो और ही आसान है, ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा, ज़ीरो एक डिजिट है तो एक और डिजिट बढ़ानी पड़ेगी ज़ीरो लगा के, 6 6 36, यही हो गया आपका स्क्वायर ज़ीरो का। कितना आसान है, यही हो गया आपका स्क्वायर, कैसे अपने इस वाले मेथड से करते हैं, 36 आया था, अब 6 1 6 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आता है, 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, और ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा देते तब भी तो हमारा यही आंसर आता है कि नहीं, यही आंसर आता, तो इसका इतना इजी वे है 3600। और मान लीजिए 80 का ले लेते हैं, 80 का 0 0 8 8 64, ये हो गया आपका स्क्वायर, इतना इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आखिरी में टू डिजिट के नंबर में आखिरी में अगर ज़ीरो हो तो ये इतना इजी तरीके से निकल जाता है। मान लीजिए ले लेते हैं 30 30, तो यहाँ पे 0 0 0 का स्क्वायर, क्योंकि एक ज़ीरो आया तो एक ज़ीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 और ये 0, आपका आंसर आ गया यही 0 0 9, ये आपका हो गया 30 का स्क्वायर। देखा, तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक, और आगे हम लोग इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक अपलोड करेंगे, आगे हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको थ्री डिजिट की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस तरह की शॉर्ट ट्रिक, लर्नर डायरी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, MDP ये सब मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।